तो चलिए अब लेते हैं एक और एग्जाम्पल और इस बार भी हम यूनिट स्पेस मेथड अप्लाई करके ही इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। ध्यान रहे कोशिश करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि यूनिट स्पेस मेथड से हमें हमेशा करेक्ट आंसर आए, राइट। डिपेंड करता है आंसर ऑप्शंस पर। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 398 इंटू क्वेश्चन मार्क इंटू 7 इज इक्वल टू 47,362। तो वैसे देखने में बहुत सिंपल लगेगा, राइट। हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, तो आप शायद कैंसिलेशन कर पाए एंड इजीली से सिंप्लीफाई कर दे। ऑप्शन आप देख सकते हैं 15, 13, 17, 19, नन ऑफ दीज। अब क्योंकि फर्स्ट फोर ऑप्शन में सभी यूनिट स्पेसेस अलग है, एटलीस्ट मैं यहां पर अटेम्प्ट करूंगा यूनिट स्पेस अप्लाई करने में, राइट। तो अगर आप भी चाहे यूनिट स्पेस मेथड अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे मैंने बताया अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तब आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को देखें, देखने में सिंपल लगे लेकिन अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन करें तो काफी टाइम लगेगा, यानी एटलीस्ट 1 मिनट तो आपको स्पेंड करना ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, 397,362 / 398 × 7। अब सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं, आप डायरेक्टली डिवीजन स्टार्ट नहीं कर सकेंगे, राइट। तो डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करनी होगी, अगर 7 से डिविजिबल होता है तब 7 से डिवाइड करें, उसके बाद 398 को डिवाइजर लेकर जो रिजल्ट आए उसे 398 से डिवाइड करें, या फिर इस नंबर को 398 से डिवाइड करें एंड जो भी रिजल्ट आता हो फिर उसे 7 से डिवाइड करें, या फिर 398 को 7 से मल्टीप्लाई करें एंड देन 47,362 को 362 को जो भी रिजल्ट आए इससे डिवाइड करें। So, जो भी प्रोसेस आप फॉलो करें, 1 मिनट अराउंड 1 मिनट तो डेफिनेटली लगेगा ही। लेकिन क्योंकि आंसर ऑप्शंस में सभी यूनिट स्पेसेस अलग है, लेस देन 10 सेकंड्स में हम 3 ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकेंगे, तो बेटर होगा कि आप थोड़ा सा रिस्क लें एंड इसे यूनिट स्पेस मेथड अप्लाई करके ही फॉलो करें। लेकिन फिर से रिपीट करूंगा, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं देन कंप्लीट सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं, टाइम कितना लगेगा ये डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड आप फॉलो कर रहे हैं और आप कितने शार्प एंड क्विक हैं आप अपने कैलकुलेशंस में। जैसे कि 398 इंटू 7 ये लेस देन 2 सेकंड्स में आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। 398 को हम 398 नहीं लेंगे, 400 माइनस 2, सो 400 इंटू 7 2800 माइनस 2 इंटू 7 14, सो 2786, 47,362 डिवाइड बाई 2786, राइट। अब आपको डिविजन करना पड़ेगा, चाहे या तो स्प्लिट एंड वॉच करें या फिर ऑन पेपर जो भी। तो देखते हैं कैसे यूनिट स्पेस हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे, राइट। यूनिट स्पेस मेथड अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि यूनिट स्पेस मेथड कैसे अप्लाई किया जाए, क्योंकि इस बार अगर आप देखें डिवीजन का केस है। आप ये तो कह सकते हैं कि 8 इंटू 7 यहां पर रिजल्ट 6 में एंड होगा, सो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वन नंबर दैट एंड्स इन 2 डिवाइड बाई अनदर नंबर दैट एंड्स इन 6, 8 इंटू 7 56 है, तो यूनिट स्पेस पर 6 आएगा। लेकिन हमने क्लियरली डिस्कस किया है यूनिट स्पेस मेथड डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है, तो शायद हाँ यूनिट स्पेस मेथड अप्लाई नहीं किया जा सकता है, तब आपको कंप्लीट कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अगर 2 को 6 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा ये हम नहीं बता पाते, नहीं बता सकेंगे, क्योंकि हमें कंप्लीट नंबर कंसिडर करना होगा। डिवीजन में हम कंप्लीट नंबर कंसिडर करते हैं, राइट। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में डिजिट बाय डिजिट किया जा सकता है, तो इसीलिए शायद यूनिट स्पेस मेथड एप्लीकेबल नहीं है, या फिर यस यूनिट स्पेस मेथड एप्लीकेबल नहीं है, कंप्लीट सॉल्यूशन ही करना है। लेकिन अगर आप स्मार्टली इसे अप्लाई करें तो इस क्वेश्चन को भी हम यूनिट स्पेस मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। सी हमने इसे डिवीजन के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, लेकिन एज इट इज अगर क्वेश्चन को लिया जाए तो यूनिट स्पेस मेथड अप्लाई किया जा सकता है। कैसे, सी आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें, वन नंबर एंड्स इन 8 अदर नंबर इज 7 और एंड्स इन 7, अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें 398 इंटू 7 रिजल्ट एंड होगा 6 से, 8 इंटू 7 56, So answer में 6 आएगा यूनिट स्पेस पर। तो आप कह सकते हैं कि एक्चुअल क्वेश्चन में वन नंबर ends in 6 into question mark equals to the right hand side ends in 2, right? 47,362 ये डायरेक्ट रिजल्ट है which ends in 2। बस अब हम क्या करेंगे, वन आफ्टर द अदर ऑप्शन यहां पर सब्सटीट्यूट करेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर, और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जो इस मल्टीप्लीकेशन को सेटिस्फाई करता है। डिविजन में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर आप मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में ले तो इजिली से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को देख रहे हैं। मे बी ऐसा हो कि एक्चुअल क्वेश्चन ऐसे दिया जाए, अब अगर एक्चुअल क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए तो शायद लगे कि हाँ यूनिट स्पेस मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, कंप्लीट सॉल्यूशन करना है। लेकिन अगर आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तब यूनिट स्पेस मेथड एप्लीकेबल होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि डिविजन में भी यूनिट स्पेस मेथड एप्लीकेबल है, डिपेंड करता है क्वेश्चन फॉर्मेट पर, डिपेंड करता है किस तरह के ऑप्शन दिए गए। तो अब हम इस फॉर्मेट को ले लेंगे, वन नंबर एंड्स इन 6 इनटू क्वेश्चन मार्क द रिजल्ट शुड एंड इन 2,
हम ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करते हैं, सबसे पहले 15 सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट, क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 6, वन नंबर एंड इन 6, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा 5, 15 है एक्चुअल नंबर लेकिन यूनिट स्पेस 5 है, 6 × 5 रिजल्ट 0 से एंड होगा, हमें क्या चाहिए 2, 6 × 5 30, सो आंसर में 0 आएगा, यानी 5 इज द रॉन्ग आंसर, 15 इज द रॉन्ग आंसर, 3 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, राइट, नंबर एंड इन 6 इंटू द अदर नंबर एंड इन 3, 6 × 3 18, आंसर 8 से एंड होगा लेकिन हमें चाहिए 2, सो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, वैसे आपको ये रिपीटेडली करना नहीं है, आप मेंटली देखकर भी बता सकते हैं, जैसे कि अगर आप थर्ड ऑप्शन बोलें, यूनिट स्पेस 7 है, यहां पर यूनिट स्पेस 6 है, 6 × 7 42, आंसर 2 से एंड होगा, यस, सेटिस्फाई करता है, सो मे बी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो, राइट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, राइट, क्योंकि हमने पहले दो केसेस में ले लिया पेपर, तो यहां पर भी कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको ऐसे नहीं करना है, सो 7 क्या होगा यहां पर, 6 × 7 एंजिन 40, एंजिन 2, एंजिन 42 नहीं कह सकते, एंजिन 2, बाकी जो भी रिजल्ट, अब हमें भी चाहिए 2, सो शायद थर्ड ऑप्शन 17 पॉसिबल हो, हम करेक्ट आंसर नहीं कह सकते लेकिन पॉसिबल हो सकता है, फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं 19, राइट, वन नंबर एंजिन 6, अदर नंबर एंजिन 9, आपको ये करना नहीं है, राइट, 6 × 9 4 से एंड होगा, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन पेपर पर अगर देखें 6 × 9 एंजिन 4, हमें चाहिए कि आंसर 2 से एंड हो, तो फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, अब या तो आंसर थर्ड ऑप्शन 17 है या फिर फिफ्थ ऑप्शन 9, रिस्क लेने के लिए अगर आप रेडी हैं तो थर्ड ऑप्शन 17 मार्क करें, अदरवाइज कंप्लीट सॉल्यूशन करें, आप अगर और कोई वेरिफिकेशन चाहते हो तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं, जैसे कि हम 17 को डेफिनेट आंसर क्यों नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता है कि आंसर 7 से एंड होगा, अब वो एक्चुअली सिर्फ 7 है या 17 है या 27 है या 37 है या 197 है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप वेरीफाई भी करें तो शायद 17 करेक्ट लगेगा, अगर आप और एक वेरिफिकेशन करना चाहते हैं आंसर मार्क करने के पहले, क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करें, जैसे कि 47,362 को हम अप्रोक्सीमेटली 47,400 ले लेते हैं या फिर 47,300 ले लें या फिर 47,000 की रेंज में ले, राइट, ये 47,000 की रेंज में है, डिनोमिनेटर क्या है यहां पर 398 × 7, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, 398 × 7 को अप्रोक्सीमेटली हम 2,800 ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 400 × 7 2,800, न्यूमेरेटर क्या है 47,400 या फिर 47,000, अब अगर आप देखें 47,000 डिवाइडेड बाई 2,800 अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, 47,000 डिवाइडेड बाई 2,800 या फिर 47,400 डिवाइडेड बाई 2,800 क्या होगा, जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 474/28, सी ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, इससे कुछ लेना देना नहीं है ऑप्शंस का, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप अप्रोक्सीमेटली रेंज भी कैलकुलेट करें डेफिनेटली आंसर 10 एंड 20 के बीच में आएगा, राइट, जो भी करेक्ट आंसर हो ये 10 एंड 20 के बीच में आएगा, क्योंकि 28 × 10 होता है 280, 28 × 20 होगा 560, ये नंबर 474 280 एंड 560 के बीच में है, सो आंसर 10 एंड 20 के बीच में होगा, या फिर आप देख सकते हैं 28 × अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें 474 को हमें स्प्लिट करना है, राइट, 28 के मल्टीपल्स में, सो 474 को हम 280 प्लस 194 ले सकते हैं, 280 प्लस 194 474 हो जाएगा, 280/28 तो 10 हो गया, 194/28 कितना होगा अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग, सो 10 प्लस 6 पॉइंट समथिंग 16 पॉइंट समथिंग, अब 16 पॉइंट समथिंग इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन किया है, लेकिन क्लियर पॉइंट ये है कि जो भी आंसर हो वो 10 एंड 20 के बीच में होगा, अब हमें दो वेरिफिकेशन हमने यहां पर किए, एक तो ये कि आंसर 7 से एंड होना चाहिए तभी ये यूनिट स्पेस को सेटिस्फाई करेगा 16 × 7 42, दूसरा ये कि आंसर 10 एंड 20 के बीच में हो जाएगा, तो अब अगर आप देखें दोनों कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं एक साथ 10 एंड 20 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से एंड होता हो, 17 ही पॉसिबल है, जो हमारा अर्लियर डाउट था कि 27 हो सकता है 37 हो सकता है 47 हो सकता है ये सारे उलट हो जाएंगे क्योंकि आंसर 10 एंड 20 की रेंज में, तो इस तरह से आप एक और वेरिफिकेशन करके अपने आंसर को पक्का कर सकते हैं, राइट, तो 17 है इसका करेक्ट आंसर, अभी भी डेफिनेट नहीं है लेकिन रिस्क हम ले रहे हैं, अदरवाइज को कंप्लीट कैलकुलेशन करना है, राइट, कंप्लीट कैलकुलेशन में ये नहीं कहूंगा कि कॉम्प्लेक्स है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको यू नो ये नंबर 7 से या 398 से डिवाइड होता है या आपको कॉमन फैक्टर्स पता हो, लेकिन कौन इतना टाइम स्पेंड करेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, राइट, आप जानते हैं कि टाइम बहुत कम होता है, क्वेश्चन आपको वाइजली चूज करने हैं एंड जो मेथड्स आप अप्लाई करेंगे ये भी वाइजली चूज करना है, राइट, अब क्योंकि 3 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर लिए हैं डेफिनेटली हम अप्लाई कर सकते हैं यूनिट स्पेस मेथड, राइट, सो आंसर है ऑप्शन 3 17, राइट, तो इस तरह से मल्टीपल टेस्ट अप्लाई करके यूनिट स्पेस टेस्ट अप्रोक्सीमेशन टेस्ट अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे।